कि पानी फैल गया था पोर्टल से, सारी बर्फ़ बनने लगी, सर्दी बहुत ज़्यादा है और दिखाए। एक्चुअल में ये टैप वाटर, सारे टैप ब्लॉक हो गए, बर्फ़ सब में जम गई। और वो वहाँ पे वो सारी ब्लॉक, उन्होंने बोला कि सारे भाई वो रखा है, ब्लॉक है, पानी तो नहीं मिलने वाला है, बस जब तक धूप नहीं आएगी प्रॉपर तब तक पानी नहीं मिलेगा हम लोगों को अच्छे से। और पानी आप देखिए आइस है, आइस ये प्रॉपर भाई, पता नहीं अच्छा पानी है साला बेकार है, पर इसको गुड मॉर्निंग। और फाइनली सुबह के 8 बज गए हैं, आप व्यूज़ देखिए, ओहो ओहो, अब तो देखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही कि पासा नहीं, और सनराइज होने वाला है। अबे 6 बजे कितनी सर्दी थी आपने देखा, तो मैं उठ नहीं पा रहा था और अंधेरा अंधेरा, और अभी पूरा उजाला, हर तरफ सफ़ेद सफ़ेद, ओहो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, बहुत बहुत ज़्यादा यार, धूप निकल आई है। बट प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताऊंगा, आप देख रहे पूरी पूरी आइस है, पूरा आइस। ये जो पीछे आपको वैली जो हाइट दिख रही ना, अब वो वहाँ से सनराइज हो रहा है ऊपर से, ऊपर से जब सनराइज होगा तो, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सन इधर जा रहा है और बिल्कुल सामने सनराइज हो चुका, बट इस वैली की वजह से इधर सनराइज नहीं हुआ है। और ये जो प्लेस है वो ये चारों तरफ से वैली से ढका हुआ, बीच में खड़ा हूँ, मुझे चारों तरफ से लग रहा इधर भी इधर भी पहाड़, इधर भी इधर भी, और इतना ठंडा भाई। और पीछे आप बर्फ़ देख सकते, बहुत सर्दी है यार। मैं तो रात में मुझे लगा, आपने 6 बजे मैं निकला था जब यहाँ से, और मैं आया वो मैंने जितना टाइम ब्लॉक 5-6 मिनट छूट गया और देखा, अरे भाई हालत ख़राब, कैंप में जाके मन की क्या हो गया, मैं क्यों निकला यार, बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। बट सच में मज़ा आया, और अभी आप पूरा व्यूज़ देखिए यार, गजब शानदार लग रहा। अभी मैं आप ये इसकी हाइट की वजह से सनराइज नहीं है, सन इसके पीछे है, जब बहुत सन की हाइट ऊपर हो जाएगी तब सनराइज होगा। आप इधर देखिए और वो सामने का व्यूज़ देखिए, इधर इधर देखिए सनराइज हो चुका है इधर, और चारों तरफ आपको हमने बोला था बैली 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 चारों तरफ से भाई, बीच में है। और इतनी सर्दी यार, इतनी हवा लग रही, अभी भी हवा चल रही है, और पता नहीं आप देखिए वो वहाँ हाइट है, जब सन सबसे हाइट पे हो जाएगा तब सनराइज होगा। और अभी व्यूज ये देखिए भाई सामने वाला कितना, मैं वहाँ तक डैम तक जाऊँगा और मैं दिखाऊँगा कितना शानदार लग रहा, ओह माय गॉड। और मैं को अभी मैं वहाँ पे टॉप पे जाके बताता हूँ, ऊपर देखो, ऊपर देखता रास्ता है चलने का, देखो मुझे नहीं लग रहा कि जा पाऊँगा, क्योंकि पैर आप जानते हो मेरे पैर फंस रहे हैं, पता नहीं कैसे था वो, ये नहीं यहाँ से रास्ता पॉसिबल नहीं जाने का, बट मैं कोशिश करता टॉप पे वहाँ से देखूँ मैं वैली, कोशिश करता हूँ, कन्फर्म नहीं है। अरे भाई ओ माय गॉड, ओहो 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 ओह, बहुत हाइट पे है, ओहो सच में भाई बहुत शानदार व्यूज चारों तरफ भाई, इतनी सर्दी बहुत तेज हो रही, मुँह से शब्द निकलते वो ढंग से नहीं बोल पा रहा, और बहुत नियरेस्ट हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत नियरेस्ट हूँ, अगर मैं अभी मैं आपको दिखाता प्रॉपर तरीके से, पर सच आप पीछे बैकग्राउंड देखिए कितना शानदार व्यूज है यार, तो उसमें भी स्टे कर सकता, बट तो उससे ज़्यादा यहाँ मैंने मज़ा लिया, तो उससे ज़्यादा यहाँ मज़ा आ रहा, आप देख सकते हैं ना, तो उसमें इतना नहीं आता ना, पर सच में तो उससे ज़्यादा यहाँ अच्छा लग रहा है। तो अगर आप कभी आना चाहें तो उस, तो मैं कहूँगा तो उसमें स्टे ना करें, तो उससे आउट होकर ट्रैकिंग करके कैंप साइड में करें। और मैं जो -26 टेम्परेचर था, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, इससे लोएस्ट नहीं जाने वाला है, और मैं सर्वाइव कर गया है और बिना माल के, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, तो कोई इशू नहीं है, आप भी कर सकते, बट
प्रॉब्लम ये है कि तोश तो कॉमर्शियल हो चुका, वहाँ स्टे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कसोल हो चुका, वैसे भी तोश कॉमर्शियल हो चुका, तो वहाँ से कोई नहीं मतलब है। या यहाँ जो व्यूज़ मिल रहे हैं वो तोश में थोड़े ना मिलने वाले हैं, ये तोश से आउट में है। तो मैं कहूँगा अगर आप शांति लेना चाह रहे हैं, मज़े लेना चाह रहे हैं ज़िंदगी का, अच्छा चिल करना चाहते, ये सीन्स देखना चाह रहे हैं, मेमोरी बनाना चाह रहे, तो आप भाई यहाँ आइए, तो उससे ट्रैक करते हुए आइए। मैं पूरा रास्ता प्रॉपर बताऊंगा कैसे ट्रैक करते हुए आना है। तो यहाँ ट्रैक करते हुए आइए, बहुत अच्छे यार व्यूज है, शानदार है भाई, तो उससे तो अच्छा ही है ना। और तो उसमें मैं देखो कुटला का प्लान बन रहा, अभी देखते पहले अभी आप व्यूज़ देख लिए मैं कितने नियरेस्ट हूँ एकदम। देखना ये कितनी हार्ड हो गई, वो देखना ये देखी। ओहो बहुत ज़्यादा सर्दी है यार, देखो पता नहीं अभी सनराइज इस साइड तो धूप बिल्कुल आ नहीं रही है, उधर सनराइज हो रहा और धूप जा भी रही है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने बात भी की है तो मुझे कुटला जाना था, कुटला का ट्रैक है तो उससे लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर ऊपर जाना है हिल पे, तो उससे ही जाना है, कुटला का है। पर वहाँ बता रहे थे कल टेम्परेचर -40 पहुंच गया था, तो वहाँ जाना सेफ़ नहीं लग रहा मुझे। और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ टेंट वाले से बात हुई ना, तो वो बोल रहे थे कि टेंट तो मैं हो जाएगा बट वहाँ आसपास कोई स्टे नहीं करेगा आपके, वो सारे नीचे आ जाएंगे तो उसमें, तो ऐसी जगह अनसेफ जगह रुकना कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं वहाँ तो नहीं रुकूँगा। और देखो तो उस पहुँच के देखता हूँ, तो उसको अगर अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर लेता आज बहुत अच्छे से, तो मैं तोश से चला जाऊंगा। मैं बरसैनी जाके देखो कालगा तो पुलगा तो जाना ही है, कुटला का रह जाएगा। कुटला तो अब किसी हाल से पॉसिबल नहीं कि मैं कुटला जाऊं, क्योंकि -40 बोल रहा है, और अगर पॉसिबिलिटी -45 भी जा सकता है, करा के टेम्परेचर वहाँ -44 तक पहुँच जाता भाई, इतना सब पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ बहुत रिस्की है और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगा अनसेफ़ जगह जाने पे, तो वहाँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा। पर अपना सारा बैग वगैरह पैक कर लिया और मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि धूप वगैरह आई उससे बेटर है कि मैं काफ़ी वेट किया बट अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और मैं तो आ रही हूँ, तो आप ऐसे आउटसाइड स्टे करिए, वहाँ मत स्टे कीजिए तो बेटर रहेगा, यहाँ स्टे करना सबसे बेस्ट रहेगा। अरे यार एंजॉय लेना है तो बेस्ट ये रहा भाई, थोड़ा टेम्परेचर लो रहा बट फुल मस्ती की है, तो टोटल कॉमर्शियल हो चुका इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, अगर मस्ती लेनी है तो भाई यहाँ आइए। और हमें मुझे लग रहा सनराइज होने वाला, इधर सन दिखाई दे रहा मेरे चेहरे पे, मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ, अब ये इधर दिख रहा है, तो मुझे लगता है हार्डली 5 से 10 मिनट में धूप आने लगेगी, आपको ये दिख रहा होगा, हाँ 5-10 मिनट में धूप अच्छी आने लगेगी। फेस पे जो धूप पड़ रही है फाइनली धूप आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं फाइनली कैंप से पैकिंग भी कंप्लीट हो गई, मैं वेट कर रहा था जैसे चेहरे पे धूप ले लूँ थोड़ा, धूप यार जो सर्दी पड़ रही थी ना, अब पीछे आप देख सकते धूप, ओहो उसकी बात ही अलग है जो। तो मैं अभी 10-15 मिनट बाद थोड़ा धूप लेने के बाद फिर यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करता हूँ और तोश जाता हूँ, और तोश पहुँचने के बाद ही आपको बताता कैसा लगा। तो अभी मेरा यहाँ से ट्रैक फिर स्टार्ट हो जाएगा और मैं जाऊँगा तोश, तो तोश पहुंच के ही आपको बता पाऊंगा। पर फाइनली इतना सब झेला सर्दी और धूप आई, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, मतलब
जो टेम्परेचर माइनस में था और मैं रात भर परेशान रहा, मैंने कि भाई यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कैसे, जैसे धूप चेहरे पे लगी भाई सारी टेंशन ख़त्म। मैं सच में 15-20 मिनट हैं ये स्टे करके तभी ट्रैक स्टार्ट करूँगा। फाइनली डिसाइड हो गया मुझे पीछे स्टे करना है, थोड़ा कॉस्टली है मैं बताऊँगा, बारगेनिंग अभी चल रही है कंटिन्यू। यहाँ एक्चुअल में स्टे क्या है, अभी तक स्नोफॉल नहीं मिला, मैं वहाँ तक कैंप में भी रह के आया, स्नोफॉल मुझे नहीं मिला। और आज कालगा में स्नोफॉल होने के काफ़ी ट्रैकिंग करी, पूरा ब्लीज एक्सप्लोर कर लिया। और ये आपको बीच में जो पेड़ दिख रहे हैं ये एप्पल के हैं, अभी सीजन नहीं तो एप्पल तो नहीं है, फिर जब सीजन होगा एप्पल नेक्स्ट ईयर आएंगे, कितना शानदार व्यू होगा वो देख, अब एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि इतना अच्छा कितना अच्छा व्यू होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आगे मुझे लगा कि शायद गेहूं की भी खेती होती है, मुझे नीचे की जो फार्मिंग खेती मैंने देखी तो मुझे लगा, मैंने फिर लोकल से पूछा तो वो बोले गेहूं नहीं है ये, और मैंने कि फिर ये क्या है, उन्होंने कि फापड़ बोला, फापड़ और मन के इसका हिंदी मीन्स मक्का अक्का क्या है, इंग्लिश क्या कुछ नहीं बता पाए उनकी। इससे पहले इजराइली रहते थे, 15 साल इन्होंने यहाँ काम किया, जैसे गुरुद्वारे टाइप में हमारे जैसे लंगर लगते हैं ऐसे ही इनका भी गुरुद्वारा टाइप का था, तो लंगर इजराइली लोग आते थे वो खाते थे जैसे मर्जी जो मर्जी फूड खाते थे, जूस हाउस नाम के से मशहूर था। तो